आज जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्माननीय मेरे भाई करण सिंह उचियारड़ा जी की इस नामांकन रैली में हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सम्मानित मंच यहां पर विराजर हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों और पत्रकार बंधुओं, करण जी बोला जना मैं बैठ्यो बैठ्यो सोचो मैं क्यों डोटासरा आज पिटगो फटकारा में। लोग तो ताली बजावा इंसार, मैं मन ही मन में कुमनू हो रियो। मैं क्यों भाई आपना फटकारा कौन सुने लो, अब करण जी वाला सुने ला। पर मैं देख रही हो करण जी आज सारो काम कर दियो, एक काम बाकी छोड़ दियो, एक काम गजेंद्र सिंह जी मारे शेखावाटी से मारे जिला का निवासी थे, बाग कैसा गया करण जी आछो काम को निक्रियो, बाकी पोल खोल दी थाने, तो बुरो लागे तो मारे न वापिस दे दियो। आया नहीं करनी चाहिए थाने। हाँ मैं तो आयो तो था कि बड़ाई करवाने, अरे मैं थाने और वो देऊं के मारे भाई की थे या पोल खोलो मंच पर। करण जी एक काम बाकी छोड़ दियो और वो काम है लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेबा को काम। बाकी तो से छान उड़ा दी, कहेगी उड़ा दी ने, मैं के बोला बताओ। ए मारे भाई जी गजेंद्र सिंह जी के लिए सारी बात बता दी, गहलोत जी के लिए बता दी, पायलट साहब के लिए बता दी, कांग्रेस के लिए बता दी, और कांग्रेस बीजेपी को झूठो प्रचार करे बा मुद्दा के बारे में बता दी, तो मारे कन तो एक ही बात रही है कि करण जी एक बात की छोड़ दियो काम, और वो काम है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन शपथ ले बाको, वो काम मैं थाने बुला बनायो हूं, वो काम थाने करनू पड़े। लो ये थे हां नहीं भरो तो मैं मोरियो कोनी बुलाऊं। सांसद के रूप में शपथ दिला दोगा के दिला दोगा तो जना मैं थाने एक ही बात करना चाहूं, थारी बात पर पूरो विश्वास करूं। थे तो मारे शेखावाटी के भाई के ऊपर विश्वास कोनी करियो, लेकिन मैं जोधपुर के मेरे भाई के ऊपर विश्वास कर जाऊं। आज काई हालत हुई है भाई किसाना की, 750 किसान शहीद होगा, 3 काला कानून, ऋण माफी के लिए कहो वो ऋण माफी नहीं, एक से बढ़कर एक जुल्म हो रहा है। आज का किसान दिल्ली के सड़का पर दिल्ली जाबा के लिए बैठा है, मैं किसान भाया ने पूछबो चाहू भाई काई काम बैठा है, भाई लिए बैठा है कि 22 मन्ना पहली 15 मन्ना के संघर्ष के बाद में मोदी जी और मोदी जी का कृषि मंत्री जी एक वादो करियो लिखित में कि किसाना के लिए MSP लागू करांगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करांगा, बा 22 मन्ना बाद में भी बा लिखित समझो तो मोदी सरकार पूरा नहीं करियो, इसलिए किसान दोबारा दिल्ली जार बन बूझ बागे लिए जा रहा कि भाई बताओ
करो थे लिखित में समझो तो करियो भी को काई हुयो। आज याद करो, थोड़ा पीछे जाओ 20 साल 30 साल 40 साल। हर जगह नौजवान साथी है, वे आपके दादे ने ताऊ ने बढ़िया ने और जार पूछे के आज जोधपुर के मायने अशोक गहलोत जी जब 88 लोकसभा का सांसद आ, जब केंद्र में मंत्री आ, राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, हिंदुस्तान में यहां को सीटी नहीं मिले जिसकी समस्या को समाधान कर और विकास ने एक 4 चांद लगावा को काम अशोक गहलोत जी करने को काम करे हो। और आज मंच के ऊपर हूं, अशोक गहलोत जी मेरे सारा एक बात के लिए आपसे निवेदन करना आया हा, कई लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से कर्ण सिंह उचियाल जियाल का होनहार चिता किसी फूर्ति वाले नौजवान ने सांसद बना दियो। पिछले लोकसभा के मायने वैभव गहलोत जी आया, गहलोत साहब कितना काम करया, लेकिन आपा बान संसद में कोनी भेजा। लेकिन मैं आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते कहना चाहूं, अगर थे करण सिंह उचियारड़ा ने अब कल लोकसभा में जोधपुर से भेज दियो तो मैं सारी बातें भूल जावाला। आ मैं निवेदन करवाने था क्या करना आया हूं। अरे 3 महीना से अब पर्ची सरकार चाल रही है, कोई कोई भलो हुई हो के पर्ची बा अली बाबा 40 चोर पिक्चर में जिया खुल जा सिम सिम और गेट खुल गया चोर माए बढ़गा बिया पर्ची से यहाँ का एक मुख्यमंत्री जी बनगा जगह केवल भ्रमण करे भाषण देवे और लोगों ने भ्रमित करवा को काम करे। और काल परसों तो मैं सुनी सा जोधपुर के माए ने कालो मुंडो करगा जोधपुर के लोगों को। जोधपुर के मंत्री जोगाराम जी ने माए ने घुसवाने को नहीं दियो, इससे ज्यादा और के बेइज्जती होगी जोधपुर की। अरे भाई मंत्री जी कहे के लाख लाख रुपया की जकी थैली ले जावे भी को है पर्ची सरकार का राजस्थान का मुख्यमंत्री मन अंदर घुसवा दे। यहाँ की जलालत, यहाँ की लोग और यहाँ की सरकार कहीं सरकार है साहब? कोई काम करियो, ईआरसीबी को झूठो वादो करियो। ईआरसीबी गजेंद्र सिंह जी पूरे राजस्थान ने पानी के मायने अति अति बड़ी योजना दे सका, एक लोटो पानी को दियो बेटी का पापा अरे वोट मांगबान आएगा अरे कहनु चावे भाई जी मारे से खवाटी को मारो भाई है मैं ज्यादा जाना थे पिछाण करबा में 10 साल लेट होगा 10 साल लेट होगा थे। अरे अब जागिया जगाई ठीक है बेटी का पापा, अरे दो फटकारा अरे बुलाओ मोरियो बुला दे सके तय कर दिए। करण जी माने भूल मच जा जो बहुत रामायण करिए मैं थेड़े भाषण दियो ने हम सब एक एक करबा में बोलो जोर है भाई जी भूल मच जा जो कोई सा ने भी सगड़ा ने सागे लेर चाल जियो अरे जनसभा ने देख अरा को उत्साह देख अरे माने पूरो मंच ने नहीं मारो जो को आला कमान रंधावा साहब आयो है बेमनिया कह रहा जचगो काम तो जचगो आला कमान तक बात चली गई है कि जोधपुर के मायने एक मंत्री जी को मोदी जी मोरियो बोल गो। ए बोल लेला तो बाड़मेर आवा गई अरे बोल लेला बीकानेर आवा गई पर आज तो जोधपुर आवा गई बुलावांगा के लिए भाषण भूषण की कौनी है। 36 कौम के लोगों से आग्रह करूं कि थे लोग समझ जाओ नहीं तो जकी हालत बनेगी। केजरीवाल जी ने माए अंदर कर रखे है, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अंदर कर रखे है और आज केजरीवाल जी की मंत्री एक बयान दियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के मैंने कहो खे तो बीजेपी में रल जा अरे नहीं तन्ने अंदर करांगा। वो काई चाल रही है भाई जी ए तो ने काल अमित शाह जी आया ने थे काई कह गया अमित शाह जी के जका डर
भैसेंज का लोग बीजेपी में आवे ने कांग्रेस से दूसरी पार्टियां से ने अन्य भाई जी छूतरो ही गोंदिया ओ ध्यांगा तो ऐसे का जा रहा है ने बन अमित शाह जी की बात पढ़वा दीजिए और सुनवा दीजिए के भाई जी थे तो गया तो आप माल खाबा ने अरे थाने मिलियो ओ खुद कहेगा अमित शाह जी। अब गृह मंत्री देश को है भी की बात पर तो विश्वास तो करना ही पड़े ना थोड़ो बहुत तो बे कह की नहीं मिलेगो आने तो छाती के चेप लियो वोट ले लियो और बी के बाद के मायने जेल में गाल दियो आ तैयारियां कर रहा है। इसलिए सब लोगों ने एक ही आग्रह है कि सारी ईटिया गठबंधन का तमाम लोग तमाम पार्टी का कार्यकर्ता इस लोकतंत्र ने बचावा के लिए अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और हर जगह जठे भी थाका रिश्तेदार है जानकार है मित्र है माने सन कहो कि ईटिया गठबंधन ने जिताओ और बठे मोदी जी को पत्तो साफ करो मोदी जी को पत्तो साफ करो। आई बात के बा के लिए मैं था के बीच में हाजिर हूं। अबे बात आई है करण सिंह जी ए फटकारा चाल बा दियो और आप फटकारा के मायने मारे ध्यान रख जो मारे भाई जी को थे आज बोलगा जगह तो बोलगा अति साची बाता मां के गजेंद्र सिंह जी के लिए दोबारा ज्यादा मत बोल जो ना। मैं एक पहली आसाम में कोई रहतो ना जरा घर चिट्ठी भेज दो अरबा चिट्ठी आती भी मैं लिखेड़ो आतो ऊपरी ऊपर अत्र कुशलम तत्रास्तु यानी हम यहाँ राजी खुशी हैं आशा करते हैं कि आप वहां राजी खुशी होंगे। और लास्ट में एक लाइन लिखेड़ी होती कि पन्ना छोटा पड़ गया है कम लिखे को ज्यादा समझना इसलिए कम भाषण दिए को ज्यादा समझना और मारे भाई जी ने हमारे से कावाटी भेज दीजिए और गणो ही काम धंधो दे देंगा और करण सिंह जी ने लोकसभा में सांसद बना दीजिए। आई अपील करवाने में था के बीच में हाजिर हुई आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।